नई सरकार से उम्मीद तो है, पर कागजी उम्मीद हम लोग नहीं मानते जब तक धरातल पर जमीनी स्तर पर नहीं दिखे, क्योंकि मानसिक तौर पर हम लोग दिग्भ्रमित नहीं होना चाह रहे हैं। बहुत तड़िपारित हो चुके हैं और हमारा मानना स्पष्ट है, यदि हम लोगों को विज्ञप्ति आ जाती है तो हम लोग उत्सुक और उमंग की संभावना रखते हैं, वैसे कुछ नहीं। सरकार आती जाती रहती है, न जाने कितना शिक्षा मंत्री बदले, ये अलग की बात है, पर हम जहाँ पहले थे वहीं अभी है। तो मैं चाहूँगा कि अब से कुछ नया हो और एक नई दिशा में कार्य हो, नई सरकार आई है, नया उमंग है, एक उम्मीद है, तो जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता हम लोग गर्दनी बाग के धरती पर बने रहेंगे। देखिए बिहार में एनडीए टूट गया और कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बन गई। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे और कहीं ना कहीं अब राजद कोटे से मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की बहाली अभी तक नहीं हुई है। देखिए सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार 3 सालों से परेशान है तमाम अभ्यर्थी। सीटेट बीटेट की बात करेंगे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई सरकार बिहार में बनी है, क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से? देखिए नई सरकार से उम्मीद तो है, पर कागजी उम्मीद हम लोग नहीं मानते जब तक धरातल पर जमीनी स्तर पर नहीं दिखे, क्योंकि मानसिक तौर पर हम लोग दिग्भ्रमित नहीं होना चाह रहे हैं। बहुत तड़िपारित हो चुके हैं और हमारा मानना स्पष्ट है, यदि हम लोगों को विज्ञप्ति आ जाती है तो हम लोग उत्सुक और उमंग की संभावना रखते हैं, वैसे कुछ नहीं। कि सरकार आती जाती रहती है, न जाने कितना शिक्षा मंत्री बदले, ये अलग की बात है, पर हम जहाँ पहले थे वहीं अभी है। तो मैं चाहूँगा कि अब से कुछ नया हो और एक नई दिशा में कार्य हो, नई सरकार आई है, नया उमंग है, एक उम्मीद है, तो जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता हम लोग गर्दनी बाग के धरती पर बने रहेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने 20 लाख रोजगार का वादा किया, कितना भरोसा है मुख्यमंत्री? कुछ भरोसा नहीं है, सब जुमला है सर जी। देखिए भरोसा जो आप बोल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री पर, डिप्टी सीएम पर, उप मुख्यमंत्री पर, तो भरोसा तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कागजी भरोसा नहीं ना, क्योंकि इससे पहले भी 19 लाख को यही सरकार तो थे, नीतीश जी थे, सिर्फ बदली है तो एक इंजन बदला गया है, तो एक इंजन पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं तो दूसरा इंजन भी उसी तरह से होना चाहिए। तो बात स्पष्ट है, विज्ञप्ति आ जाएगी तो हम लोग घर जाएंगे, अन्यथा वही बात जो पहले थी, रोजगार कागज पे कौन दिखने को मिलता है कि कागज पर 19 लाख और नियोजन भी करा लिया जाता है, इतना हो गया। आप देखिए 94,000 में योग्य अभ्यर्थी कितने मिले, देखा जाए तो विपक्ष में जो थे अब सत्ता पक्ष में चले गए हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को समर्थन मिलता था पहले राजद की तरफ से बहुत ज्यादा? तो समर्थन मिलता था, तो अभी भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन समर्थन से भोजन थोड़े मिलने वाला है जी। जब कागजी से हट करके रोड पर आ जाए, धरातल पे आ जाए, हम लोग फॉर्म फिल कर लें तो मानेंगे ना कि विपक्ष जो है हमारा काम कर रहा है जी, बिल्कुल। अन्यथा ये तो मतलब दिग्भ्रमित करना हर किसी का काम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। कितने दिनों से ऐसे ही बैठ रहे थे? मई में हम लोग 22 दिन बैठे और अभी आज 17 दिन हो गया सर धरना पे बैठे हुए। 17 दिनों से बैठ रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए सर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे जी। अब वो सत्ता में आ गए हैं और शिक्षा विभाग में लगभग ऑलमोस्ट जब भी हम लोग जाते हैं सचिवालय तो बोल देते हैं कि काम पूरा हो गया है, बस मंत्री जी का सिग्नेचर बाकी है। यही मौका था, पहला कैबिनेट भी हो गया, अब आज भी सुन रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग को विज्ञप्ति दे दें। उनका जो उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष में रहते हुए बात कही थी वो इसी विज्ञप्ति से उनका एक बात पूरा हो जाएगा और लोगों में विश्वास भी जाएगा कि हाँ भाई ये जो आए हैं सत्ता में ये सच में रोजगार देना चाहते हैं। आज यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम लोग विज्ञप्ति का कुछ ऐलान हो जाए जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, हम सीवर जिला से हैं। लगातार 17 दिनों से बैठ रहे हैं, पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है, आश्वासन मिला था कहीं ना कहीं, देखा जाए कि जो सरकार था सरकार एनडीए की थी बस इतना ही, और था बीजेपी साथ में, लेकिन अब महागठबंधन साथ में है। शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि जो छठा चरण खत्म होगा उसके बाद सातवां चरण शुरू होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो छठा चरण लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन भी अब हो गया। हमें लगता है कि सरकार की जो है मंशा ठीक नहीं है, चूँकि यह विगत कई महीनों से हो रहा है कि अब बहाली देंगे, अब नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन ये सिर्फ जुमला ही बन के रह चुका है। अब हम लोग कितना दिन इस चीज़ का इंतजार करें? खेल एक जो खेल बन चुका है इस महीना। नमस्कार, मैं शिवहर जिला से जो है हूँ और लगातार जो है 17 दिनों से जो है ये चल रहा है, लेकिन अब तो जो है विपक्ष के भी जो है अब तो सत्ता में आ गई, अब तो जो है कुछ उम्मीदें हैं
लेकिन ये उम्मीदें जो है सिर्फ जो है जुमलेबाजी बनकर नहीं, ये धरातल पर दिखना चाहिए और विज्ञप्ति जो है जल्द से जल्द जो है हम लोग को मिलना चाहिए। तो साफ कहते हैं कि सातवें चरण की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, बस शिक्षा मंत्री के साइन बाकी है। तो जब ये है तो आप एक उप मुख्यमंत्री जो आपको भरोसा दिए थे 10 लाख रोजगार का, आप इससे शुरुआत कर दीजिए, दे दीजिए विज्ञप्ति। जो भी लोग होंगे वो जैसे ही नौकरी पाएंगे तो किसका नाम लेंगे? मैंने कि हाँ हम लोग राजद जी जब सरकार आई तब जाके हम लोगों को नौकरी मिला। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, सब तैयारी हुई हुई है, शिक्षा मंत्री के एक साइन का सिर्फ बाकी है। साइन कर दे, हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाए, हम लोग भी घर जाएं और उनका भी नाम होगा कि हाँ भाई जैसे सरकार में आई सबसे पहला काम उन्होंने रोजगार के लिए किया। शिक्षा मंत्री बने प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो भी प्रोफेसर कहीं ना कहीं थे, अब जाकर शिक्षा मंत्री बने हैं, क्या आशा करते हैं? तो शायद वो शिक्षकों के दर्द को समझे जी, क्योंकि प्रोफेसर वो भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से हैं, उनके बारे में पिछले सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं तो उनको अनुभव भी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनके पार्टी के एक शीर्ष नेता जो अभी तेजस्वी यादव हैं, उनके बात को ये एक मिनट में पूरा कर सकते हैं। ये नहीं है कि अब विभाग से कोई चीज़ इनको मंगाना है या इनको ये चीज़ नहीं मालूम है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि सारी तैयारी पूरी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ मंत्री और कैबिनेट से इसको पास कराने का काम है, बस एक साइन और हम लोग यहाँ से उठ के जा सकते हैं। अब शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के कि किसी भी तरह से सर हम लोग का नोटिफिकेशन दे दें और अपने ही पार्टी के शीर्ष नेता जो आप बोले हैं उनके वादे को आप पूरा कर सकते हैं और आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। देख सकते हैं ये 17 दिन से अभ्यर्थी तमाम सीटेड बीटेड के बैठे और कहीं ना कहीं इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और इन अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हमारा बहाली जो है जल्द से जल्द करवा जाए। देखिए एक बात और कहना यह है कि अभी तो मान लीजिए कि जो 10 लाख रोजगार का वादा किया, आपको रिक्ति प्रोसेस सब मंगाना होगा और जबकि सातवें चरण का ऑलरेडी सब कुछ आपने तैयार करके रखा हुआ है तो आपको तो इस देखिए तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी थे 17 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि हम नए सरकार से उम्मीद करते हैं और एक साइन से ही इन लोगों की बहाली हो जाएगी, अगर तेजस्वी यादव करते हैं या फिर शिक्षा मंत्री करते हैं तब। इन अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से पहले विपक्ष में था सत्ता पक्ष, अब सत्ता पक्ष में आ गया है तो लगातार हम लोगों को समर्थन मिलता था और कहीं ना कहीं समर्थन मिलने के बाद कहीं ना कहीं हम बहाली की अब मांग कर रहे हैं और लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए फिलहाल तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी थे, प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की। तमाम अभ्यर्थियों की बात आपने सुनी है और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।